Hey guys, this is Vishal और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा मजेदार। आज हम एक रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करने वाला रिमोट कंट्रोल लॉक डोर बनाने वाले हैं। और भाई अगर आपने इसको घर पे लगा लिया तो चोर आएगा ना, तो चोर सोचेगा कि चोरी कैसे करूं यार, ये तो यहाँ पर ना तो लॉक है ना कुछ चाबी है जिससे मैं दूसरी चाबी लगाकर फिट कर सकूं, मतलब कुछ भी नहीं है, बस आपके पास रिमोट है जिससे आप खोल सकते हो बस। और भाई ये जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि दूसरा रिमोट आके इसको खोल देगा, जिसके लिए जो रिमोट बना है उसी से ये खुलेगा क्योंकि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। तो भाई इस वाली वीडियो में मैं पूरा समझाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना, आधा अधूरा मत देखना क्योंकि आधा नॉलेज जो होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आपने घर पे उसका ट्राई किया, हो सकता है आपके घर पे कुछ भी हो सकता है, चोरी वोरी हो सकती है, तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा नॉलेज लेना, मैं ए टू जेड आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। तो चालू करते इस वाली वीडियो को, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई हमें सबसे पहले यहाँ पर लेना होगा एक इलेक्ट्रिक डोर लॉक, और ये जो है 12 वोल्ट के ऊपर वर्क करता है। जब भी हम 12 वोल्ट इसके अंदर देते हैं ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, और 12 वोल्ट हटाने पर ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो, जो भी सामान है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप सभी को। अब यहाँ पर इसके ऊपर की साइड में आपको दो नट बोल्ट दिख रहे होंगे, इन्हों को हमें खोलना होगा यहाँ पर। और खोलने के बाद में क्या करना होगा कि इसको हमें इसका डायरेक्शन चेंज करना होगा। अभी क्या है कि ये जो डायरेक्शन है इसको मतलब हमारे घर के बाहर लगाने के लिए बनाया गया है, इसको हम गेट के अंदर की साइड में लगाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो ये इजीली हम कर सकते हैं इसको, यहाँ पर ये इसीलिए दिया जाता है नट बोल्ट कि इसको हम डायरेक्शन चेंज कर सके। ये अब हमारे डोर के अंदर की साइड में लगने के लिए तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर इसको आपको सबसे पहले ये काम करना जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमारा जो डोर है उसके अंदर लगाना होगा। लेकिन यार भाइयों, मैं डोर को तो यहाँ पर नहीं लेके आ सकता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ी साइज का होता है। तो यहाँ पर मैं MDF बोर्ड के ऊपर यहाँ पर इसको पूरा फिट करके दिखाऊंगा आपको। आपको डायरेक्टली इसको डोर के ऊपर फिट करना है, ठीक है। आप यूँ मत बोलना कि यार विशाल भाई डोर के ऊपर फिट नहीं कर रहा, मैं पूरा कनेक्शन उसी टाइप से करके दिखाऊंगा जैसे डोर के ऊपर करते हैं। लेकिन डोर को मैं कैमरे के सामने नहीं ला सकता हूँ, इसलिए यहाँ पर MDF बोर्ड के ऊपर इसको फिट करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारे जो ये MDF बोर्ड है ये एक डोर है, तो इसको हम यहाँ पर डोर ही बोलेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने 4 होल कर लिए हैं इसके साइज के, और इस डोर के ऊपर मैं इस लॉक को इस टाइप से कस दूंगा अच्छी तरीके से। और ये वाला जो वीडियो होने वाला है ना, बहुत ही आसान तरीके से, अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक का काम नहीं आता है तो भी आराम से कर सकता है, किसी को सोल्डरिंग करना नहीं आता तो भी आराम से कर सकता है। अब यहाँ पर मैं एक रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करने वाला रिमोट और रिसीवर लेने वाला हूँ। आप सभी ने देखा होगा कि हमारी जो बाइक होती है उनको बहुत सारे लोग रिमोट कंट्रोल बनवाते हैं, तो उसके अंदर इस वाला रिमोट को यूज़ में लिया जाता है और रिसीवर को यूज़ में लिया जाता है। ये आपको मोटर मार्केट में ईजिली मिल जाएगा जहाँ पर ऑटो पार्ट्स के सामान मिलते हैं, नहीं मिलता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से परचेस कर सकते हो। इसका कनेक्शन काफ़ी आसान है और ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, ताकि इसका जो कोई दूसरा रिमोट से कोई इसका खोल ना सके इसलिए। अब इसके अंदर आपको एक तरफ यहाँ पर 3 पिन दिखेगी और एक तरफ यहाँ पर 2 पिन दिखेगी, ठीक है। तो इसका कनेक्शन है ना बिल्कुल मक्खन है, बिल्कुल आराम से कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पर आपको प्लस माइनस दिखेंगे 2 पिन की तरफ, यहाँ पर इनके 12 वोल्ट डायरेक्ट इनपुट देना है हमें, और जो प्लस वाला पॉइंट दिख रहा है ये, और यहाँ पर जो 3 पॉइंट दिख रहे हैं आपको 1, 2, 3, तो ये जो बीच वाला पॉइंट है ये कॉमन वाला पॉइंट होता है, इसको डायरेक्ट प्लस हम यहाँ पर दे देंगे। तो एक वायर यहाँ से निकाल के इसके अंदर डाल देंगे, या फिर आप डायरेक्ट सोल्डरिंग से कर सकते हो, लेकिन मैं सोल्डरिंग का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे भाइयों को सोल्डरिंग करना नहीं आती, सोल्डरिंग नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ उसी टाइप से कर सकते हो। सबसे पहले इसके नट बोल्ट हम खोल लेंगे, और उसके बाद जैसे मैं वायर कनेक्ट कर रहा हूँ उस टाइप से कर लेना। और भाइयों, अभी तक आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से कर लीजिए यार, क्योंकि मैं इसी टाइप की नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कनेक्शन कैसे किया है। इसका जो ग्रीन वाला है वो प्लस वाला है, और ब्लू वाला जो है वो माइनस वाला है, जो मैंने एक वायर और एक्स्ट्रा निकाल लिया इसका। और ग्रीन वाला जो प्लस में से होकर यहाँ पर 3 में से बीच में चला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नॉर्मली क्लोज और ओपन वाला दिखेगा, जहाँ पर ऑन लिखा हुआ है उस ऑन वाले में, मतलब हमें क्या करना होगा, इस लॉक का रेड वाला जो वायर है, जो प्लस वाला वायर है, उसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि इस सर्किट के अंदर से
रेड वाला जो वायर है प्लस वाला वो जाएगा डायरेक्ट, और माइनस वाला जो हमने एक एक्स्ट्रा निकाला था उसको डायरेक्टली हम लॉक में दे देंगे इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका कनेक्शन कर लिया है, काफ़ी सिंपल सा कनेक्शन है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार और वीडियो को देख सकते हो और काफ़ी आसानी से आप इसको कर सके हो, ठीक है। इसके बस दो कनेक्शन करने हैं, आपका पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और इसको कैसे यूज़ में लेंगे वो भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। अब ये जो डिब्बी है, इस सर्किट को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब इसको यहाँ पर हमारे डोर के ऊपर चिपका देंगे हम, या तो रिवर्सिबल टेप के द्वारा चिपकाएंगे, ग्लू गन के द्वारा चिपकाएंगे, या फिर आप अपने हिसाब से सुपर ग्लू से भी चिपका सकते हो, या फिर आपको जो भी करना है आप कर सकते हो। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। एक यहाँ पर मैं फीमेल 12 वोल्ट का एडाप्टर जैक ले रहा हूँ और यहाँ पर इसको मैं कनेक्शन कर दूंगा। कनेक्शन आपको बिल्कुल सही करना है, प्लस का प्लस में और माइनस का माइनस में। अगर नहीं करेगा आप तो ये जल सकता है। आप बोलोगे विशाल भाई आपने यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन का यूज़ किया, आप यहाँ पर डायरेक्ट पिन को कट करके भी लगा सकते हो, ठीक है, टेप के द्वारा। तो फाइनली ये कम्प्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा, 12 वोल्ट की सप्लाई देनी होगी तो एक एडाप्टर का यूज़ करना पड़ेगा हमें। और ये एडाप्टर आपने देखा होगा कि हमारे घर के अंदर डिश टीवी लगी होती है या फिर कोई भी रिसीवर लगा होता है उसके अंदर से मैंने निकाला है। ये 2 एम्पियर 12 वोल्ट का है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर बटन दबाओगे ना तो हमारा जो लॉक है वो आप देख सकते हो अंदर घुस जाएगा। तो हमारा जो लॉक है मतलब ओपन हो चुका है, और जैसे हम इस बटन को छोड़ेंगे ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाएगा। आपको डबल दबाने की जरूरत नहीं, एक बार दबाओगे, दबा के रखोगे तो ये अंदर घुसा हो रहेगा, और जैसे आप छोड़ दोगे ये बाहर निकल जाएगा। तो जैसे आपके घर के अंदर कोई आता है मेहमान, ठीक है, तो आपको बटन दबाना है, लॉक खुल जाएगा ऑटोमेटिक, आपके जो मेहमान अंदर आ जाएंगे। या फिर आप बाहर से आए, आपके हाथ में कोई झोली झंडा सब कुछ है, कुछ सामान है, आपके पास चाबी खोलने के लिए हाथ फ्री नहीं है, तो आप इस बटन से डायरेक्ट दबा के इसको खोल सकते हो, ठीक है। इसकी जो रेंज है वो 20 फीट की है, आप 20 फीट दूर से भी किसी गेट को खोल सकते हो, और ऑटोमेटिक ये लग जाएगा। आप देख सकते हो एक स्लॉट है इसके अंदर, तो जैसे गेट हम छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक लग जाएगा स्लॉट के कारण, लेकिन खोलना होगा तो उसके लिए रिमोट की ज़रूरत पड़ेगी। और आप सभी को बता देता हूँ कि यार ये रिमोट रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके जेब के अंदर भी ये रिमोट होगा तो भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसका जो रेंज काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी पावरफुल होता है ये, और दूसरा रिमोट से नहीं खुलेगा, आप टेंशन मत लीजिए इस बात की। आई होप गाइस आपने पूरा वीडियो देखा होगा और वीडियो में पूरा नॉलेज जो दिया है उसको आपने अच्छे से समझा होगा, और आप घर पे बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। अगर आपका दिमाग में क्वेश्चन होगा कि यार ये कोई दूसरा रिमोट लाके खोल सकता है, तो ऐसा नहीं होता है। जिसके लिए जो रिमोट बना है उसी से ये ओपन होगा। आप सभी ने देखा होगा कि अभी हाल जो मार्केट के अंदर जो कार आ रही है उनके सबके रिमोट्स होते हैं जो कोई दूसरा रिमोट से नहीं खुल सकता है, तो वो जिसके लिए जो रिमोट बना है उसी से खुलेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस बात की। और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, कुछ अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और मेरी वीडियो के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मतलब मान लीजिए आपको कुछ बात समझ में नहीं आती है, या फिर कोई मैं वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर आपको कुछ कमी दिखती है, तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हो कि विशाल भाई आपकी जो वीडियो है इसके अंदर ये कमी है, आप इसको सुधारिए, उससे हमें वीडियो में देखने में मज़ा नहीं आता, वो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो उसको हम जो सुधारेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडी।